बाद उसमें लेट सपोज सी सफरिंग फ्रॉम द सीवियर मेटल डिजीज इन्फेक्शन एम आर सीवियर, तो एम आर सीवियर में क्या होगा मेटल एम आर सीवियर है फंक्शन नया फंक्शन 3 और 4 है एल बी एस्मिक इंडिकेशन क्या है एम ई आर ही होगा मेटल डिजीज इन्फेक्शन तो नहीं होगी तो कब जाएंगे इसके एम ई आर के लिए अगर एम आर सीवियर है सिम्टम्स नहीं है इतने फंक्शन क्लास 1 to 2 है एल बी फंक्शन नॉर्मल है तो हम मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखेंगे और रूमेटिक एटलर्जी है तो इसको बेंजाइल पेंसिलिन वो प्रोफाइलिसिस कंटिन्यू करेंगे और सिम्टम्स 6 मंथली या 1 ईयरली असेस करते रहेंगे। अगर पेशेंट सीवियर एम आर है फंक्शन क्लास 3 नाया 3 to 4 है या एल बी डिसफंक्शन होना शुरू हो रहा है इजेक्शन फ्रैक्शन ड्रॉप हो रहा है या एल ए वॉल्यूम इंडेक्स बहुत ज़्यादा 60 से अबो है एटर फिब्रिलेशन है तो इस तरह सीवियर एम आर विथ सिम्टम्स एल बी डिसफंक्शन तो एम वी आर के लिए क्विक ली जाएंगे तो क्लास 1 इंडिकेशन है कि आप याद करेंगे। अगेन एज अगर मोर देन 40 ईयर एज है तो आप कोरोनरी भी देखेंगे और एंजियोग्राफी भी करेंगे ऐसा एम वी आर करने के लिए लेकिन अगर मॉडरेट टू सीवियर एम आर है अगेन सिम्टम्स इतने नहीं हैं रूमेटिक एटियोलॉजी है आपने आपने कंफर्म कर लिया है जो भी उसके हिस्ट्री ली सो थ्रोट की है सो टाइटेरिया पास में इको में उसकी एनाटॉमी देख ली थिकेंड है प्लस अदर वाल में भी थिकनिंग है क्लियर कर रूमेटिक है मॉडरेट टू सीवियर है आप इसको बेंजाइल पेंसिलिन पे रखेंगे। कुछ पेशेंट्स मॉडरेट से माइल्ड पे आ जाते हैं और हो सकता है 5 ईयर 10 ईयर्स तक मेडिकल मैनेज पे रखें लेकिन उनको क्लोजली फॉलोअप करना है। जैसे ही सीवियर एम आर विथ सिम्टम्स सीवियर एम आर विथ एल वी डिसफंक्शन या इवन सीवियर एम आर सिम्टम्स सीवियर है एल वी डिसफंक्शन नहीं है लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में चला गया एल ए बहुत ह्यूज है या इवन थ्रोम्बस आ रहा है या टी आई ए हुआ है स्ट्रोक हुआ है इस तरह के पेशेंट में भी अर्ली एम ई आर की तरफ जा सकते हैं। एम एस बी है सीवियर एम आर माइल्ड है माइल्ड टू मॉडरेट है एम आर को डिटेल देखेंगे ट्रांसथोरेसिक में या टी में इवन जब हम चेक करने जाते हैं तो एल बी एंजियोग्राम करके उसमें असेस कर लेते हैं कभी कभी इको में मॉडरेट आता है जब हम एल बी एंजियोग्राम करते हैं तो माइल्ड एम आर होता है तो हम वहीं पे पी टी एम सी प्रोसीड करते हैं लेकिन कभी कभी माइल्ड टू मॉडरेट आता है लेकिन जब हम एल बी एंजियोग्राम करते हैं सीवियर एम आर आ जाता है हम पी टी एम सी नहीं करते उसको फिर हम एम ई आर के लिए देते हैं लेकिन एम आर सीवियर है एल ए बी प्लॉट है सीवियरली कैल्सिफाइड। अच्छा कैल्सिफिकेशन कहाँ पर है कि आप पी टी एम सी नहीं करेंगे स्पेशली जो लीफलेट्स हैं या टिप्स पे या कमिशर्स पे क्योंकि जब आप पी टी एम सी करते हैं तो कमिशर खुलते हैं अगर वहाँ कैल्शियम है तो रेप्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं और अक्यूट एम आर होगा अर्जेंट सर्जरी होगी तो कैल्सिफिकेशन कितनी है और कैल्सिफिकेशन की साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर बॉडी की तरफ है एनुलस की तरफ है या टिप्स या कमिशर फ्री है कैल्शियम नहीं है तो आप मॉडरेट कैल्सिफाइड में भी पी टी एम सी कर सकते हैं तो विल्किन स्कोर पे सिर्फ नहीं जाएंगे साइट ऑफ द कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा पी टी एम सी करेंगे पी टी एम सी कर ली क्या पी टी एम सी करके हम सिर्फ फॉलोअप में क्या देखेंगे रूमेटिक पेशेंट है रूमेटिक एटियोलॉजी है तो अगेन देखते हैं कि आप किस कंट्री में किस रीजन में वो रूमेटिक डिजीज कितना एंडेमिक है पेंडेमिक है प्रेवलेंस क्या है जैसे हमारे एशियंस में स्पेशली पाकिस्तान में इंडिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है रूमेटिक हार्ट डिजीज आप देखेंगे इसमें आप इवन लाइफ लॉन्ग प्रोफाइलेक्सिस देते हैं आपने देखा होगा फर्स्ट टाइम पेशेंट आ रहा होता है सीवियर एमएस का जो कि 50 ईयर एज तो जो पुरानी गाइडलाइन थी कि भाई 5 ईयर या 10 ईयर जस्ट रूमेटिक फीवर है तो 5 ईयर और रूमेटिक कार्डियस डेवलप किया है तो 10 ईयर और 40 ईयर विच एवर इज लॉन्गर एक पेशेंट है जो आया ही एम एस के साथ 50 ईयर एज है तो 40 ईयर एज वाली तो बात ही गई तो आप इसमें प्रोफाइलिसिस पे करेंगे रेट अच्छा कंट्रोल करेंगे। एक पेशेंट है जो कि मॉडरेट टू सीवियर एम एस के साथ आया लेकिन सिम्टम्स ज़्यादा है हो सकता है उनका हार्ट रेट ज़्यादा हो पेशेंट हो सकता है एनीमिक हो अगर आप एनीमिया करेक्ट कर रहे हैं सिम्टम्स ठीक हो जाएगा अगर हार्ट रेट ज़्यादा चल रहा है आप उसका हार्ट रेट कंट्रोल करें तो फंक्शन क्लास 1 to 2 में चला जाता है बजाय उसको प्रोसीजर की तरफ जाने में उसकी आप उसको आप अच्छा सा मेडिकली मैनेज करें और वो 5 साल 10 साल तक भी मेडिकल मैनेज करें। तो एक तो ये ट्रीटमेंट के लिहाज से इनिशियल मैनेजर में कुछ पॉइंट्स बताएं पेशेंट्स के पास एग्जामिनेशन करने जाएं सबसे पहले क्या होता है केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए आपका सॉफ्ट केयरिंग एटीट्यूड
पेशेंट के साथ सिंपैथी हो आपकी, पेशेंट के साथ आप फ्रेंडली जाएं, पेशेंट्स के साथ आप हर चीज़ परमिशन के साथ करें, पहले आप इंट्रोड्यूस करें, परमिशन लें, प्रॉपर एक्सपोजर अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपने अगर पेशेंट परमिट कर देता है शर्ट बनियान उतार, इसको मेल पेशेंट में आपने प्राइवेसी बीच में शीट, जैसे हमने शीट रख दी थी, आप शीट रख दें, ये जो फुट है थोड़ा सा और एक्सपोज कर लें, हैंड शीट के ऊपर रखें और दो जगह से एटलीस्ट आप राइट साइड पे देखें, फुट एंड में जाके लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, कभी कभी अपेक्स भी बिल्कुल लेफ्ट लेटरल होती है, आप यहाँ राइट साइड पे देख रहे होते हैं वो मिस कर लेते हैं, और आप जो जो आप पल्सेशन देख रहे हैं वो मैक्सिमम पल्सेशन नहीं है, वो प्रॉपर अपेक्स भी नहीं है और आप गलत बता सकते हैं। तो प्रॉपर एक्सपोजर पेरिकार्डियल के साथ हेड टू टो देखना है, जो आपकी आय है वो बहुत अच्छी हो, यानी आप हेड से शुरू करें फुट तक एक जनरल लुक भी करें, एनीमिक तो नहीं है, जार्डिस तो नहीं है, जेवीपी तो रेस नहीं है, जेंथिलाजमा तो नहीं है, चेस्ट पे स्कार मार्क तो नहीं है, सर्जिकल मार्क तो नहीं है, कोई बर्न मार्क तो नहीं है, या जैसे टैटू मार्क्स होते हैं या इंजेक्शन यूज होते हैं, इसी तरह नेल्स देखते हैं, हैंड्स देखते हैं, पामर एडिमा है, आइज पे लुक करना है, फीट पे आ जाए, पेडल एडिमा देख लेना है, ये सिर्फ एक नज़र से देखें। फिर आप इंस्पेक्ट करने के बाद पल्पेशन पे जाएंगे, अपेक्स भी पल्सिस और प्रॉपर पेरिकार्डियल एग्जामिनेशन। इसके लिए एक रूल मैं हमेशा बताता हूँ कि ये जो आपके टिप्स होते हैं, इस टिप्स से आप अपेक्स भी देखेंगे, ये पेड्स होते हैं, ये पेड्स किसके लिए होते हैं, नहीं मर्मर्स, थ्रिल जिसको मर्मर को पेल्पेट, और ये जो आपका बेस होता है ये आपकी या बेस देखें या पूरा हाथ रखें, जैसे आपने पैरासिल हीव मिस कर दी, डेफिनेटली इसमें पैरासिल हीव होगी, अगर आप कहीं थोड़ा सा दोनों में मेरा हाथ थोड़ा सा उठ रहा है, तो पैरासिल हीव है, पेल्पेजन पी टू है, लाउड पी टू है, और ट्राइकोसिलेजन टी आर का मर्मर है, इसको एम एस भी है, एम आर भी है, पर्मी हाइपरटेंशन भी है, जो ये मिक्स वेजुलर लियन है, पर्मी हाइपरटेंशन भी है इसीलिए, और दूसरा डोमिनेंट मेटल वाडिस्टोसिस है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब जाएंगे तो इंस्पेक्शन, फिर प्रॉपर पल्पेशन, रिलेवेंट में आपने काफ़ी सारी चीज़ की, रिलेवेंट में सब चीज़ें देखनी है, एनीमिया, जॉन्डिस, एनिसिस, क्लबिंग, एंथिलाजमा, स्कार मार्क, जे वी पी, पेडल एडिमा, सेक्रल एडिमा, लंग्स के बेस पे आस्कल्टेट करना है, ब्लड प्रेशर देखना है, पल्स देखनी है, ठीक है, और एब्डोमिन में अगर आपको लग रहा है फेलियर में कंजेस्टेड लीवर है या टी आर है तो लीवर देखना है, पेल्पेबल है, ग्लैंडर है या नहीं, स्प्लेरोमेगाली है या साइटिस है या नहीं, ये सारे कोई क्लियर लेवल, आपको आइज देखना है, रेटिना देखना है, अगर फीवर की मेरी हिस्ट्री हो या अंडरलाइन फीवर हो, इन्फेक्टिव एंडोकाइटिस के लिहाज से नेल्स देखने हैं, पामर एडिमा देखनी है, हैंड्स देखने हैं, ठीक है, तो ये रिलेवेंट क्विकली देख के फंडोस्कोपी अगर है तो वो करके, फिर आप अगर आपके पास टाइम है तो आप कुछ सेकंड पहले आके कंपाइल करके फिर आप प्रेजेंट करेंगे। प्रेजेंट का जैसे मैंने बताया कि जो जो स्ट्रांगली पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो आप बताएंगे, जहां डाउटफुल है वो ना बताएं, पॉजिटिव पॉइंट्स को कंपाइल करके मोस्ट प्रोबेबली मेरे लिए जाए, फिर आपको अप्रोच ले जाएगा बेस लाइन टेस्ट से जाएँ, फिर एडवांस टेस्ट, ठीक है।